हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो देखिए, मैं ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया और क्या क्या करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, आज जो मैंने काम की है थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि तबीयत ठीक होने के बाद से यही सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम में लग रही हूँ। तो चलिए। हाँ तो फ्रेंड, ये देखिए, मैंने सुबह सुबह थोड़ा बहुत घर साफ सुथरा करके धो धा कर और जो था काम हल्का फुल्का वो धीरे धीरे मैं कर ली और यहाँ अब स्नान करके आई हूँ अपने गुरु जी के पास और पूजा करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं गुरु जी की भी करीब एक महीना से पूजा नहीं कर पा रही थी, सर सफाई की, और अब मैं इन सब सफाई करके पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, मैं किस तरह से, आप लोग देखे भी हैं कि मैं पहले गुरु जी का पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर किसी देवी देवता का पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का ही पूजा करती थी। यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद फिर लक्ष्मी माता का पूजा करूँगी, फिर उसके बाद सूर्य नारायण को जल डालती हूँ और उसके बाद फिर हल्का फुल्का नाश्ता करके चाय पानी पीकर। तो आप लोग को एक राज की बात बता रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, तो मैंने पहले ही अपने इंजेक्शन लगवा। फ्रेंड, मैं बीमार हूँ तो मैंने पूजा वूजा करने से पहले आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैंने नाश्ता कर ली थी, जो नाश्ता में बनाई थी, और उसके बाद मैं इंजेक्शन लगवाई, दवाई खाई और तब जाकर फिर मैं ये सब घरों जो मुझे करना था हल्का हल्का काम करके और पूजा करने लगी हूँ। तो का रेसिपी में मैं बना रही हूँ नाश्ता में गुड़म्मा और रोटी और गुड़म्मे के बाद देखिए फ्रेंड, ये जो गुटली है मैंने गोटे डाली है क्योंकि मेरा आदर्श बहुत पसंद करता है, और ये मेरा देखिए, आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका वीडियो बना कर डालूँगी कि किस तरह से मैंने गुड़म्मे को बनाई है। और यहाँ देखिए, मेरे ये गुड़म्मा अब तैयार भी हो चला है और गुड़म्मा रोटी और भिंडी की भुंजिया भी बना रही हूँ। यहाँ देखिए, भुंजिया मैंने काट रखी है और इस तरह से आज का सुबह का रेसिपी में मेरा यही रहा, गुड़म्मा भिंडी का भुंजिया और रोटी। तो आप लोग भी फ्रेंड आ जाइए मेरे इन सब नाश्ता को करने के लिए, तो मैं भी आपका इंतज़ार कर रही हूँ नाश्ता करने के लिए। आइए और मेरे गुड़म्मे का स्वाद भी बताते चलिएगा फ्रेंड, कैसा बना है कैसा नहीं। और इसके साथ अब मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ, मेरे वीडियो के बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा और चलते चलते मेरे वीडियो को लाइक शेयर और जो नए फ्रेंड हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।